ठिकट तक न धुन तटक तक ठिक न किट तड़न न धुन तटक तक ठिक न धतक धुंगा धा धा किट तड़न तक दिन किट किट गड़ान तक किट तका आग ठिक न नग देत तथा तक रिधा तक रिधा तक रिधा नग देत तथा तक रिधा तक रिधा तक रिधा नग देत तथा तक रिधा तक रिधा तक रिधा फरमाइशी चक्रधार देखा जाए जरा जोर से ताली बजाएंगे तो थोड़ा हमारे अंदर भी जोश होगा। बजा रहे हैं सभी लोग, थैंक यू। अब कमाली सुनाता हूँ, देखा जाए मेरे दादाजी का है ये सब परंपरागत सब पढ़ने हैं, देखा जाए क्या बात। शब्द देखिए कमाली देखिए जाए कैसा आता है। अब एक कतावली परन, इसमें कतकत का उपयोग बहुत ज्यादा है, आप देखेंगे ये हमारे परंपरा का परन है कतावली परन, देखा जाए। एक परन और है देखा जाए, उसका चलन देखिए क्या पर घिंतान धा दी का ते टे कर दे धग टे का धग न धधी धग धग दिग दिग तक गदि तक दिगन दिग 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 तक त्रगनं त्रगनं धग के लांग ता त्रग तक त्रग तक दी धादी धग टे का घने घने धादा ता केटे केटे न त्रग तक ता का त्रग तक ता त्रग तक ता त्रग तक ता त्रग तक त्रग तक धा तंगरदा दिंगरदा तंगरदा दिंगरदा तंगरदा दिंगरदा देखा जाए। Thank you.
एक और जो कि हमारे पिताजी स्वर्गीय पंडित श्री गौरी शंकर उपाध्याय जी की रचना है, उन्होंने इस परण को लिखा था, बहुत उससे देखा जाए। इसमें शब्दों का लड़ाव देखा जाए। बारह मात्रे की ताल है। अब कुछ पहला बजाऊंगा, पहला सम 12:30, दूसरा 1:15 और तीसरा 1, ऐसा कंपोजिशन है मेरे पिताजी का। देखा जाए, पहला पढ़ रहा हूं मैं, पहला सम 12:30। धाक धान कृत धकट धद्र कृत धीता त्र कृत धीता कृ धीता कृत धद्र कृत धकट धद्र कृत धान धा धाक धद्र कृत धकट धद्र कृत धान धा धाक धद्र कृत धकट धद्र कृत धान धान धा 12:30 1:15। पंक्ति में एक और 12:30 1:15 पिताजी की रचना है, देखा जाए। दोबारा से देखा जाए। बहुत मुश्किल चीज़ है ये सब। एक और सुनाता हूँ,
ये पारंपरिक प्रण है मेरे दादाजी का, स्वर्गीय पंडित रामजी उपाध्याय जी का, घेघावली। घेघावली इसका नाम है, इसमें घेघे का ज्यादा है, 12.5-1 का है कंपोजिशन। देखिए क्या बात है सिद्धेश भाई, घेघे तिरकट तक घेघेति घेदान घेघे दिनता कत्ता घेघेता घेघेता तिरकट तक तिरकट तक तिरकट तक तिरकट तक घेघेता घेघेता तिरकट तक तिरकट तक तिरकट तक तिरकट तक घेघेता घेघेता तिरकट तक तिरकट तक तिरकट तक तिरकट तक। देखा जाए पर्णों का सिलसिला इस एक पर्ण के साथ मैं विश्राम करूंगा। इसको सबक सबक बोलते हैं, जैसे किसी को किसी से जैसे मतभेद हो जाता है तो उसको बोलते हैं सबक सिखा देना। उसका इसका इस पर्ण का ये मिजाज है कि सबक, इसका नाम सबक है। इसको मैं पढ़ूंगा, हमारे परंपरा की रचना है। हम दोनों भाई बजाएंगे इसको। झाला जो पखावज का, सरोद का, सितार का झाला है वो आपको सुना देता हूँ। झाला, हाँ क्या बात है, एक बार सिद्धेश भाई के लिए क्लैपिंग करेंगे। यही बजवा रहे हैं हमें, हमारे बस की बात नहीं है कि तिहाई आना, परन आना, इनके लहरे पे ही सब कुछ हो रहा है। देखिए झाला।